नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। भारत की प्रीमियम पिक बॉल संस्था ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन 1 से 3 दिसंबर 2023 तक पिकल बॉल एसोसिएशन ऑफ गुजरात के साथ 7वें राष्ट्रीय पिकल बॉल टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में भारत के 20 राज्यों से 250 से अधिक एथलीट सिग स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। खिलाड़ी 6 अलग अलग श्रेणियों जैसे अंडर लड़के और लड़कियां, अंडर 90 पुरुष और महिलाएं, 35 प्लस पुरुष और महिलाएं, 50 प्लस पुरुष और 60 प्लस पुरुष से प्रतिस्पर्धा करना चुन सकते हैं। AIPA अध्यक्ष अरविंद प्रभु ने कहा, हमें राज्यों और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ियों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। खेल बढ़ रहा है और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह भारत के हर कोने तक पहुंचे। टूर्नामेंट में एशियाई स्वर्ण पदक विजेता तेजस महाजन और वांसिक कपाड़िया, विंग्स डबल चैंपियन स्नेहल पाटिल और कुलदीप महाजन, इंडिया डबल चैंपियन मयूर पाटिल, विश्वनाली ठाकरे, ईसा लखानी, हिमांश मेहता, अंडर 90 चैंपियंस जैसे आदित्य और अर्जुन, रोहित पाटिल जैसे खिलाड़ी शामिल होंगे। झारखंड के धनबाद से अनुस पोपली, बिहार चैंपियन अविनाश कुमार और सिंगल्स चैंपियन सोनू कुमार विश्वकर्मा भी एक्शन में नजर आएंगे। पिकल बॉल एसोसिएशन ऑफ गुजरात के अध्यक्ष सौरभ त्रिवेदी ने कहा, एक खेल के रूप में पिकल बॉल गुजरात राज्य में तेजी से बढ़ रहा है और हम यह दिखाना चाहते हैं कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए विकसित किया गया है। राज्य में कुछ बढ़िया खिलाड़ी हैं जो अच्छा खेल रहे हैं और हम नई फसल का पोषण करना चाहते हैं और उन्हें वह माहौल देना चाहते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है। भारत में पिकल बॉल का 7वें राष्ट्रीय पिकल बॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से बिहार, उत्तर प्रदेश, MP, हर राज्यों के खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है और 1 से 3 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। तमाम खेल हैं भारत में जिनका काफ़ी नाम है, काफ़ी क्रेज है, चाहे हम IPL की बात कर लें, चाहे एक खेल क्रिकेट की बात कर लें, चाहे फुटबॉल की बात कर लें, तमाम खेल है जिनका काफ़ी नाम है। सरकार काफ़ी प्रोत्साहित करती है, लोगों के बीच में उसका काफ़ी क्रेज है, काफ़ी अच्छा माहौल है और वो खिलाड़ी काफ़ी नाम भी रोशन कर रहे हैं भारत ही नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन पिकल बॉल भी एक ऐसा ही खेल है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, गुजरात में अच्छा नाम है और अलग अलग राज्यों के जो खिलाड़ी हैं वो भी अपना अच्छा नाम कर रहे हैं देश और विदेश में। लेकिन हमारे देश में जैसे अलग अलग खेल हैं उसके लिए तमाम ग्राउंड हैं, हर शहर में खिलाड़ी उसके बारे में जान रहे हैं, वैसे ही पिकल बॉल के बारे में हर राज्य के हर मुख्यमंत्री, खेल मंत्री को पिकल बॉल जैसे छोटे छोटे जो खेल हैं उनके बारे में प्रोत्साहित करना चाहिए। हर स्कूल में और हर राज्य के जितने भी स्टेडियम हैं वहाँ उनके लिए ग्राउंड बनाना चाहिए और चीज़ें मुहैया कराना चाहिए कि जो खिलाड़ी हैं छोटे छोटे खेलों के बारे में जानें, उस खेलों को में अच्छा करें और भारत ही दुनिया में अनेकों पदक लाएँ और नाम रोशन करें। क्योंकि जो बड़े खेल हैं उसके लिए काफ़ी स्पॉन्सर आते हैं, काफ़ी नाम है, लेकिन अभी भी भारत में तमाम ऐसे छोटे छोटे खेल हैं जो इन सारी चीज़ों से वंचित है। भारत में इस बार ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला थ्रो में अपना काफ़ी नाम किया और भाला थ्रो को लोगों ने जाना। ऐसे ही इस खेल को भी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि पिकल बॉल का नाम हो, पिकल बॉल के बारे में देश ही नहीं दुनिया जाने और भारत गर्वान्वित हो कि उनके खिलाड़ी अच्छे पदक ला रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पिकल बॉल ही नहीं, तमाम ऐसे खेल हैं छोटे मोटे जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, जिसको अभी उतना नाम नहीं मिला है जितना उनको मिलना चाहिए और उस तरीके से उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। तो सरकार से अनुरोध है इस वीडियो में कि अलग अलग राज्यों में पिकल बॉल को और तमाम छोटे छोटे खेलों को प्रोत्साहित करें। और आपके राज्य में इस बार पिकल बॉल हो रहा है तो आप बताइए, आप देखने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और दूसरी सवाल आपसे ये रहेगी कि आप पिकल बॉल के बारे में इससे पहले जानते थे, अगर जानते थे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस पूरे मामले में आपकी जो राय है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव के रूप में ज़रूर दीजिएगा। मैं दिव्यांशु और आप देख रहे थे पंजाब केसरी।